पब्लिक टीवी आपकी आवाज। IMA भवन में मुरादाबाद ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी ने एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। जागरूकता अभियान में गांव की 100 से ज्यादा महिलाओं को एकीकृत किया गया और उन्हें जागरूक किया गया। डॉक्टर बबीता गुप्ता ने महिलाओं को संतुलित आहार के फायदे बताए, प्रेगनेंसी के दौरान दूध फल का सेवन जरूरी बताया। डॉक्टर प्रीति गुप्ता ने महिलाओं को स्तनपान के बारे में जानकारी दी, स्तनपान से जुड़ी बहुत सी सामाजिक त्रुटियों के बारे में विचार विमर्श किए। डॉक्टर निधि ठाकुर ने महिलाओं और लड़कियों को माहवारी के समय साफ सफाई कैसे रखी जाए इस पर गंभीरता से जानकारी दी। साथ ही फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर लीना चौहान, डॉक्टर निषाद अंजुम, डॉक्टर ऋचा अग्रवाल, डॉक्टर ममता जिंदल, डॉक्टर शुभ्रा अग्रवाल, डॉक्टर सोनम रस्तोगी ने महिलाओं को जरूरी सुविधाएं दी। इसी कैंप के दौरान फ्री हीमोग्लोबिन और BMD चेकअप भी किया गया। हेल्थ चेकअप कैंप के साथ साथ मदर्स डे धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हिंदू मॉडल स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मैं डॉक्टर शाजिया मोनिस, प्रेसिडेंट मुरादाबाद ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की तरफ से आज हमने ये जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया है। इसमें ग्रामीण महिलाएं और शहर की कई महिलाएं, लगभग 100-150 महिलाओं का हमने हेल्थ चेकअप करा है, खून की जांच, शुगर की जांच, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, इन सब का हमने कैंप लगाया है तथा हमने जागरूकता का भी कार्यक्रम करा है और महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए सही पोषण के बारे में हमने बताया है और स्तनपान, उससे जुड़े अंधविश्वास के बारे में भी बहुत कुछ बताया है तथा माहवारी और उससे जुड़ी परेशानियां, जो औरतों में महिलाओं में जो परेशानियां हैं उसको भी हमने डिस्कस करा है और उसके बारे में भी हमने बहुत जागरूकता फैलाई है। और हमारे कई सारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर बबीता गुप्ता मैम, डॉक्टर प्रीति गुप्ता मैम, डॉक्टर निधि ठाकुर मैडम, डॉक्टर लीना चौहान मैडम और कई सारे अन्य हमारे मुरादाबाद ऑब्स गायनी सोसाइटी के डॉक्टर्स भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने सबने मिलकर ये बहुत अच्छा जागरूकता का आज कार्यक्रम करा है। और ये जागरूकता का कार्यक्रम हमें आगे और भी करना है समाज में और आगे तक लेके जाना है हमें इस कार्यक्रम के। ये हमारी मुरादाबाद ऑब्स गायनी सोसाइटी की तरफ से हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और महिलाओं से जुड़ी जो परेशानियां हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं और उसमें कम्युनिटी लेवल पे भी हम ये कार्यक्रम करते हैं कि जो समाज में जो भ्रांतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं हेल्थ से रिलेटेड, वेमेंस हेल्थ से रिलेटेड, उसको हमें दूर करना है। आज महिला दिवस है तो उस उपलक्ष्य में भी हमने बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा करा है, उनको हमने उनकी सेहत के बारे में बताया है, हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी जो परेशानियां हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस करा है और हमने एक छोटा सा उनको मोटिवेट करने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है। क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य यह है कि स्वस्थ महिला और स्वस्थ बच्चा हमारे समाज में रहें, महिलाओं को जो परेशानियां हैं वो दूर हों और वो डॉक्टर से ज़्यादा जुड़ें और जो उनकी परेशानियां हैं वो डिस्कस करें, सामने आए, यही हमारा मकसद है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।